हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट अभी हम लोग यहाँ पर जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को मैं ट्रिक की सहायता से बताऊंगा। वन थिंग, सेकेंड थिंग कि इस तरह के क्वेश्चंस को स्टूडेंट हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया है गॉसेज लॉ में। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर लास्ट का क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 गॉसेज लॉ में। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये ट्रिक भी मैंने आपको बताया था और डिटेल एक जनरल सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया था कि कैसे जनरल तरीके से भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्या है कि अगर मान लिया आप का 3, 4, 5 बहुत सारे प्लेट्स दिए गए हैं, वहां पर अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो जनरल तरीके से ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो वहां पर हम लोग नॉर्मली ट्रिक के साथ सहायता से सॉल्व करते हैं और बहुत आसानी से कितना भी प्लेट दिया गया हो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 30, अ चार्ज ऑफ +2 × 10⁻⁸ कूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट एंड अ चार्ज ऑफ −1 × 10⁻⁸ कूलम ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1.2 × 10⁻³ माइक्रोफारड। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसके पॉजिटिव प्लेट पे हम कितना चार्ज दिए हैं +2 × 10⁻⁸ कूलम और नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज दिए हैं −1 × 10⁻⁸ कूलम। ये कैपेसिटर का कैपेसिटी आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1.2 × 10⁻³ माइक्रोफराड, जिसको हम लोग फराड में कन्वर्ट कर लिए हैं एसआई यूनिट में। चलिए ठीक है। अब तो स्टूडेंट क्या है कि पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसका वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। तो सिंपली स्टूडेंट कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता है, वी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी। क्लियर है, कोई भी कैपेसिटर है उसका उसके क्रॉस उसके प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, या फिर कहें कि पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर कितना होता है, तो उसके लिए हम लोग को पता होना चाहिए कि उस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है और उसका कैपेसिटेंस कितना है। तो कैपेसिटेंस तो पता है हम लोग को, मेनली इस पर चार्ज निकालना है कि कैपेसिटर पे कैपेसिटर के प्लेट पे कितना चार्ज है, ये हम लोगों को निकालना है। स्टूडेंट उसके लिए अब हम लोग को क्या है कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों प्लेट पे अलग अलग चार्ज दे दिया गया है, तो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनली देखना होगा कि जो कैपेसिटर हमारा बन रहा है, समझिएगा बेसिक कंसेप्ट कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर में दो प्लेट जो होते हैं तो दोनों प्लेट पर क्या होता है कि सेम वैल्यू का चार्ज होता है, सेम अगर एक पे क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू और अपोजिट नेचर का होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट अब समझिएगा यहाँ पे हम लोग चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये मेनली सीखना है। तो इस पे चार्ज है +2 × इतना, इस पे माइनस इतना। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग थोड़ा सा सुविधा के लिए क्यू मान लेते हैं। ये जो 1 × 10⁻⁸, ये जो वैल्यू है अगर इसको हम लोग क्यू मान ले, क्यों मान लेते हैं, तो अब इस पर जो चार्ज है इसको हम लोग माइनस क्यू लिख सकते हैं और इस पर जो चार्ज है इसको हम लोग +2 क्यू लिख सकते हैं। क्लियर है, सुविधा के लिए। चलिए ठीक है। तो समझिएगा ट्रिक क्या है, स्टूडेंट कंसेप्ट क्या है समझिएगा। जब भी आपको 2, 3, 4, 5 जितना भी प्लेट दे दिया जाए, आगे इस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो समझिएगा जितना भी प्लेट दे दिया जाए, सबसे पहला आपको काम क्या करना है कि आपको जो भी चार्ज जो दिया गया है वो सारे चार्ज को ऐड कर लेना है। आपको देखना है कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो इस पर है +2 क्यू, ठीक है, और इस पर है -Q, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये सिंपली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मतलब टोटल चार्ज है कितना है स्टूडेंट, क्यू। टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, इसलिए इसका हाफ। अब ये टोटल चार्ज जो आया उसका हाफ, टोटल चार्ज क्यू है तो इसका हाफ कर देना है। इसका क्या करना है, हाफ कर देना है, जो टोटल चार्ज आया उसका हाफ कर देना है। तो हाफ कितना हो जाएगा, Q/2। क्लियर है, सारे चार्ज को ऐड कर लिए, टोटल चार्ज निकल गया उसका, तो उसको हाफ कर देना है जो चार्ज अब जो आया। तो जितना भी प्लेट आपको दिया गया है, ठीक है, उस सारे प्लेट का जो आउटर मोस्ट सरफेस होगा, आउटर मोस्ट, अब जैसे यहां पर ये जो दो है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट सरफेस पर वही उतना चार्ज होगा। मतलब कि Q/2 चार्ज आया, इसका मतलब है कि इसके इस ये जो आउटर मोस्ट, ये दो सरफेस है, ये और ये, ये और ये, इस पर भी Q/2 चार्ज होगा और इस पर भी Q/2 चार्ज होगा। अगर मान लिया सपोज कीजिए कि 1, 2, 3, 4 होता, तो सबसे पहले वाला का आउटर मोस्ट और चौथे वाले का आउटर मोस्ट। क्लियर है, सेम चार्ज हम Q/2 रखते थे। क्लियर है, चलिए अब समझिएगा भाई। अब Q/2 रख दिए, अब बहुत आसान हो गया इसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि इस प्लेट पे, इस पे टोटल चार्ज है 2Q, टोटल चार्ज है 2Q, और इस ये जो कंडक्टर है इसके इस सरफेस पर है Q/2, तो इस पर कितना होगा चार्ज, तो टोटल कंजर्व रहेगा, टोटल चार्ज मिलकर
टू क्यू होना चाहिए। तो इस पर अगर x मानते हैं तो बहुत आसान है, q बाई टू प्लस एक्स, ये दोनों मिलके कितना टोटल चार्ज 2q होना चाहिए, और इसलिए x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 2q माइनस q बाई टू, दिस इज 3q बाई टू। क्लियर है? इसका मतलब स्टूडेंट इस पर कितना चार्ज होगा 3q बाई टू, 3q बाई टू। क्लियर है? अब इस पर भी, इस पर भी आप इसी तरह चार्ज निकाल सकते हैं, इस पर भी इसी तरह q बाई टू प्लस एक्स इक्वल्स टू माइनस क्यू होना चाहिए, माइनस क्यू होना चाहिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू यहाँ पर जो आएगा ये आ जाएगा माइनस थ्री क्यू बाई टू, माइनस थ्री क्यू बाई टू। क्लियर है? या इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, एक तो ये तरीका हो गया, एक तो ये तरीका हुआ कि q बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू टोटल चार्ज माइनस q होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखिएगा ये हो जाएगा x का वैल्यू माइनस थ्री क्यू बाई टू हो गया। ठीक है, यहाँ से ऐसे निकालिए, या फिर ऐसे भी समझिए कि भाई इस पर जो, इस प्लेट पर जो चार्ज है थ्री क्यू बाई टू, ठीक है, इससे जितना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो सारा इंटरसेप्ट हो रहा है ये सामने वाला सरफेस से, तो इस पर जितना चार्ज है उसका जस्ट अपोजिट नेचर का सेम वैल्यू का चार्ज इस पर आ जाएगा। ऐसे भी समझिए, इन सारी बातों को थ्योरी में इनफैक्ट हम बता चुके हैं पहले कि कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेहतर है, थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो पहले थ्योरी को देख लें, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से, सारे क्वेश्चंस को इनफैक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चार्ज आ जाएगा माइनस थ्री क्यू बाई टू। अब समझिएगा, अब ये हमारा कैपेसिटर बन रहा है स्टूडेंट, ये कैपेसिटर बन रहा है। क्लियर है? ये कैपेसिटर बन रहा है, देखिए, जिसके दोनों प्लेट पे सेम वैल्यू का चार्ज है थ्री क्यू बाई टू, थ्री क्यू बाई टू, और अपोजिट नेचर का चार्ज है। तो अब ये जो कैपेसिटर बना, कहने का मतलब है कि कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया थ्री क्यू बाई टू। क्लियर है? इसीलिए चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर फॉर्म्ड, जो कैपेसिटर जो बना उस पर चार्ज कितना स्टूडेंट आया थ्री क्यू बाई टू। क्लियर है? क्यू का वैल्यू हम लोग बाद में आराम से सारा पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन प्लेट्स, अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा v इक्वल्स टू चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है तो थ्री क्यू बाई टू। ठीक है, ये हम लोग पहले सोच रहे थे चार्ज ऑन कैपेसिटर हम लोग को निकालना था, ये तो हम जनरल फॉर्मूला आपको बताएं यहाँ पे। ठीक है, तो चार्ज इस पर थ्री क्यू बाई टू है और इसका कैपेसिटी सी, सी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, पुट कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज थ्री क्यू बाई टू सी, और इसका वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट थ्री, क्यू का वैल्यू कितना है टेन टू द पावर माइनस एट, तो वन इंटू टेन टू द पावर माइनस एट, दिस इज टू इंटू, सी का वैल्यू है 1.2 इंटू टेन टू पावर माइनस नाइन, 1.2 इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइन। स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, ये ऊपर गया दिस इज 30, तो ये 300, 300 डिवाइडेड बाई 24, दिस इज 50 बाई 4, दिस इज 12.5 वोल्ट, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31, अ चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट्स। स्टूडेंट अगेन ऑलमोस्ट ये सेम क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। एक कैपेसिटर है जिसके एक प्लेट पे आपको 20 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको दे दिया गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स हम लोगों को निकालना है। तो अगेन सेम कंसेप्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V इक्वल्स टू क्यू बाई सी, मतलब कैपेसिटर पे हमको चार्ज पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस कितना है ये हमको दिया हुआ है, तो कैपेसिटर पे चार्ज वो हम लोगों को निकालना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इतना टोटल चार्ज एक प्लेट पर दे दिया गया है तो कैपेसिटर पे पहले हम लोगों को चार्ज निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगेन सेम कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा 20 माइक्रोकूलम इसको हम लोग सुविधा के लिए क्यू मान लिए, क्यू का इतना वैल्यू है, तो आप समझिएगा यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है भाई, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कहने का मतलब जितने भी प्लेट आपको दिए जाएंगे सारे प्लेट पे टोटल जो चार्ज है आपको ऐड कर लीजिए, तो टोटल चार्ज इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, तो टोटल चार्ज क्यू प्लस जीरो, क्यू प्लस जीरो मतलब टोटल चार्ज क्यू है। अब इसका हाफ करेंगे, इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे क्यू बाई टू। अब ये जो चार्ज आया यही चार्ज होगा एकदम सबसे आउटर मोस्ट जो दो सरफेस होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उतना चार्ज होगा, तो क्यू बाई टू चार्ज हम लोग रख देंगे, एक यहाँ रख देंगे, एक यहाँ रख देंगे। क्लियर है? ये q बाई टू हो गया, इधर भी q बाई टू हो गया। अब आसानी से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। भाई देखिए इस पे टोटल चार्ज जीरो है, नेट चार्ज तो जीरो है, तो ये तभी पॉसिबल है ना, जब मान ली इधर प्लस q बाई टू है तो इधर होना चाहिए माइनस q बाई टू, ये होना चाहिए कितना, माइनस q बाई टू।
अब जब इधर माइनस क्यू बाई टू चार्ज हुआ तो इसके जस्ट सामने वाले सरफेस पे सेम वैल्यू का और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब प्लस क्यू बाई टू, प्लस क्यू बाई टू, क्लियर है? या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, भाई ये इंड्यूस वाला बात छोड़ दीजिए, तो इस प्लेट पे टोटल चार्ज क्यू है, इसके इस सरफेस पे क्यू बाई टू है, तो इधर भी क्यू बाई टू होना चाहिए, सो डैट कि दोनों मिलके क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू दोनों मिलके फिर टोटल चार्ज क्यू सेम रह जाए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। अब भाई देख लीजिए, यहाँ पे ये हम लोगों का कैपेसिटर ये बन चुका है, दिस इज योर कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, इसके एक प्लेट पे प्लस क्यू बाई टू है, एक पे माइनस क्यू बाई टू है, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज हम लोग कितना कहेंगे, क्यू बाई टू। कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है उसी को कैपेसिटर का चार्ज कहते हैं, क्लियर है? इसीलिए चार्ज ऑन कैपेसिटर, जो कैपेसिटर बना उस पर चार्ज कितना आ गया, क्यू बाई टू। क्यू का वैल्यू स्टूडेंट कितना है, 20 है, तो 20 बाई टू तो 10 माइक्रो कूलम। अच्छा यहाँ पे एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं इसको कन्वर्ट किए कूलम्ब में, या इसको फराड में हम लोग क्यों नहीं कन्वर्ट किए भाई, चूंकि पहले ही हम लोग देख लिए, हम लोगों को तो निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, तो ऑलमोस्ट दोनों क्या है कि सेम यूनिट में है और दोनों का हम डिवीजन करेंगे, तो यूनिट को कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, आप कन्वर्ट भी कीजिएगा तो फाइनली आपका आंसर भी आएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो चार्ज आपका कैपेसिटर पर इतना आ गया, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अब हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, और सिंपली यही ना होता है क्यू बाई सी, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दीजिए, क्लियर है? तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, 10 माइक्रो कूलम, और कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है, 10 माइक्रो फैराड, तो सिंपली ये हो गया 1 वोल्ट, दिस इज योर आंसर, क्लियर क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम्ब इज गिवन टू 1 प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.1 माइक्रो फैराड एंड अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रो कूलम्ब इज गिवन टू द अदर प्लेट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट्स। स्टूडेंट अगेन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया गया है कि भाई एक प्लेट पे आपको कितना चार्ज दिया गया, 1 माइक्रो कूलम्ब, और दूसरे प्लेट पे 2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज दिया गया, तो आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा। अगेन वी इक्वल टू क्या होता है भाई, चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, मतलब कि कैपेसिटर जो बनेगा उस पर कितना चार्ज होगा ये हम लोगों को निकालना होगा, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो अगेन भाई इस 1 माइक्रो कूलम्ब को सुविधा के लिए हम लोग क्यू मान लेते हैं, अगर ये क्यू हो गया तो ये 2 माइक्रो कूलम्ब को 2 क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले आपको टोटल चार्ज निकालना है, ठीक है? तो टोटल इस पर क्यू चार्ज है, इस पर 2 क्यू है, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस 2 क्यू, दिस इज 3 क्यू हो गया, और इसका फिर हाफ करेंगे हम लोग, इसका हाफ कर देंगे तो हाफ कितना आ जाएगा, 3 क्यू बाई 2, क्लियर है? तो अब कंसेप्ट क्या है कि अब इतना ही चार्ज जो लेफ्ट मोस्ट जो आउटर जो सरफेस होगा और आउटर ये राइट वाला जो आउटर मोस्ट सरफेस होगा, सेम चार्ज, मतलब इधर भी आपका 3 क्यू बाई 2 हो जाएगा, 3 क्यू बाई 2, और इस साइड में भी यहाँ भी आपका हो जाएगा 3 क्यू बाई 2, क्लियर है? चलिए अब आसानी से निकाल सकते हैं भाई, इस पे टोटल चार्ज 2 क्यू है, इसके इस तरफ 3 क्यू बाई 2 है, तो इधर कितना चार्ज होना चाहिए सो डैट कि दोनों मिलके 2 क्यू हो जाए, तो बहुत आसान है, इधर भाई निश्चित रूप से ये देख सकते हैं 3 क्यू बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू 2 क्यू, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, वैसे भी आसानी से आप इसका वैल्यू देखेंगे ये आ जाएगा क्यू बाई 2, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे 3 क्यू बाई 2 और क्यू बाई 2 को, टोटल चार्ज मेरा 2 क्यू आना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है? अब इस पे जब क्यू बाई 2 आया तो यहाँ से आप सीधे लिख दीजिए, ये इस पे जो चार्ज आएगा माइनस क्यू बाई 2, आप चेक भी कर सकते हैं, 3 क्यू बाई 2 और माइनस क्यू बाई 2 दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्यू आपका आ जाएगा, क्लियर है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर बन रहा है, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 2, मतलब कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ गया, क्यू बाई 2, क्लियर है स्टूडेंट? इसीलिए मतलब चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, क्यू बाई 2, क्यू का वैल्यूशन कितना था हम लोगों को, 1 माइक्रो कूलम्ब, मतलब 1 बाई 2, दिस इज 0.5 माइक्रो कूलम्ब, क्लियर है? इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, 0.5 माइक्रो कूलम्ब, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है,
क्लियर है, 0.21 माइक्रोफारड यहाँ से बहुत आसानी से दिस इज 5 वोल्ट इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33, ईच ऑफ द प्लेट शोन इन फिगर हैज सरफेस एरिया 96 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 10^-12 फराड मीटर ऑन वन साइड एंड द सेपरेशन बिटवीन द कंजिक्यूटिव प्लेट्स इज 4 मिलीमीटर। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी कनेक्टेड इज 10 वोल्ट्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी टू ईच ऑफ द प्लेट्स कनेक्टेड टू इट। इस क्वेश्चन में आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 प्लेट है, ठीक है। 2 प्लेट के बीच में आपको एक बैटरी लगा हुआ है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और 2 प्लेट जो है वो डायरेक्टली इस तरह से कंडक्टर से कनेक्टेड है। क्लियर है, तो स्टूडेंट हम लोगों को निकालना क्या है, निकालना है कि इस बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई किया जा रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। दिया हुआ क्या क्या है, हर जो प्लेट है उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, हर प्लेट का सरफेस एरिया, ठीक है। इतना आपको सरफेस एरिया ए का वैल्यू दिया हुआ है और 2 प्लेट के बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है, हर 2 प्लेट के बीच में सेपरेशन सेम है 4 मिलीमीटर, जिसको हम लोग मीटर में 10^-3 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लिए हैं। तो क्यू का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, स्टूडेंट यहां पर आप समझिए, हर प्लेट का चूंकि सरफेस एरिया सेम है, हर 2 प्लेट के बीच के सेपरेशन भी सेम है, तो इसका मतलब है कि जो भी कैपेसिटर स्टूडेंट यहां पर जो भी कैपेसिटर बनेगा, क्लियर है, जो भी कैपेसिटर बनेगा हर कैपेसिटर का कैपेसिटी भी सेम होगा, कैपेसिटी भी सेम होगा। याद कीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, वन थिंग। सेकंड थिंग हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट कि कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटी जो होता है, या इनफैक्ट किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी जो होता है, उस पर कितना चार्ज है या कितना उसका पोटेंशियल है उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो उसके ज्योमेट्रिकल शेप साइज और अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। क्लियर है, तो हर जो कैपेसिटर बनेगा, अब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मान लिया ये चार्ज क्यों गया तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे, हो सकता है कि अलग अलग कैपेसिटर पर अलग अलग चार्ज हो तो आप कैसे कैपेसिटी कह रहे हैं कि सेम है, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि वो चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड ही नहीं करता है कैपेसिटी, वो डिपेंड करता है उसका सरफेस एरिया और प्लेट के बीच का सेपरेशन कितना है। तो हर के लिए सेम है, इसका मतलब हर जो भी कैपेसिटर बनेगा सबका कैपेसिटी सेम रहेगा, जिसका वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, ए का वैल्यू 96 बाई दिस इंटू 10^-12, डिस्टेंस आपका है 4 × 10^-3, इसको एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, 96 × 10^-12 दिस इज 4 × 10^-3 दिस इज 24 × 10^-9 वाट फराड। तो कैपेसिटी का वैल्यू स्टूडेंट इतना हम लोगों को निकल चुका है, अब हम लोगों को निकालना है क्यू का वैल्यू स्टूडेंट निकालना है, समझिएगा। तो क्यू का वैल्यू स्टूडेंट निकालने के लिए क्या है कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, भाई यहाँ से क्यू चार्ज गया तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ इक्वली q/2 डिवाइड हो जाएगा, ये q/2 इधर -q/2 आ जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पर ये दोनों आइसोलेटेड प्लेट है, दोनों पर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, तो ये सब कंसेप्ट का यूज करके आप आसानी से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उतना करने का यहाँ पर जरूरत नहीं है। कैसे सोचेंगे भाई, यहाँ पे क्यू चार्ज हम लोगों को टोटल निकालना है। अब यहाँ पे ये जो 3 कैपेसिटर जो बनेगा स्टूडेंट समझिएगा, अगर हम लोगों को ये पता चल जाए, हर कैपेसिटर का कैपेसिटी तो पता है, ये हम लोग निकाल दिए, अगर ये पता चल जाए कि ये कैपेसिटर आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब आसानी से निकाल लेंगे, तो ये जो बैटरी 10 वोल्ट का बैटरी है इसके क्रॉस, अब ये 3 कैपेसिटर ना हो कि हम डायरेक्टली एक कैपेसिटर जोड़ेंगे, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है, पोटेंशियल का वैल्यू 10 वोल्ट हो जाएगा, तो q=cv से डायरेक्टली q का वैल्यू निकाल देंगे, समझ रहे हैं कैसे, पहले इतना सोचना होगा। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं इस तरह के सिचुएशन में स्टूडेंट, तो समझिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर ये 2 प्लेट की बात करें, ध्यान दीजिएगा ये 2 प्लेट, तो भाई जाहिर सा बात है ये दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये पॉइंट आपका मान लिया x है, ये पॉइंट y है, क्लियर है, दोनों का ये एक्स पोटेंशियल पे है, ये वाई पोटेंशियल पे है। चलिए ये दोनों प्लेट तो हो गया, अब ये दोनों प्लेट को ध्यान दीजिए, चूंकि ये दोनों डायरेक्टली कंडक्टर से कनेक्टेड है, डायरेक्टली हम कनेक्ट कर दिए हैं, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, पक्का बात है। तो सेम पोटेंशियल पे इसको हम लोग जेड मान लेते हैं, मतलब ये जेड हो गया, ये जेड हो गया, ये आपका वाई पे है और ये आपका एक्स पे है,
बहुत आसानी से, जैसे हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते थे एक्स वाई जेड, तीन पॉइंट हम लोग सबसे पहले ले लेंगे और दिखाते चले जाएंगे एक्स वाई के बीच में कौन है, वाई जेड के बीच में, लाइक दिस। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये दो पॉइंट आपका एक्स एक ले लेते हैं, एक वाई ले लेते हैं, यही दो पॉइंट एक्स और वाई के बीच में ये बैटरी भी 10 वोल्ट का लगा है, देखते हैं। और जेड को हम लोग कहीं बीच में मान लेते हैं, जेड को चलिए हम लोग कहीं बीच में मान लिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो कैपेसिटर जो बनेगा, ये कैपेसिटर नंबर वन इसको हम लोग दिखा रहे हैं, ये कैपेसिटर नंबर टू और कैपेसिटर नंबर थ्री, क्लियर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख चुके हैं, जैसा कि अभी आपको हम यहाँ पर हिंट भी किए हैं, आप करके देख भी सकते हैं। जो जो कैपेसिटर यहाँ पे बनेगा वन टू थ्री, हर मतलब इसके इस प्लेट और इस प्लेट पे सेम और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ भी आपको करके देखना चाहिए, सेम और अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ भी, सेम और अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ भी होगा, क्लियर है। तो चलिए, तीन कैपेसिटर, पहला वाला जो कैपेसिटर है ये ध्यान दीजिए किसके किसके बीच में है, एक्स और जेड के बीच में है, एक्स और जेड के बीच में है पहला वाला। तो यहाँ पर ये जो कैपेसिटर आप एक दिखा दीजिए, पहला वाला कैपेसिटर एक्स और जेड के बीच में, ये पहला कैपेसिटर हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, ये जो दूसरा वाला कैपेसिटर है किसके किसके बीच में, जेड और वाई, मतलब वाई और जेड के बीच में दूसरा वाला कैपेसिटर है। तो वाई और जेड के बीच में यहाँ पर हम एक और कैपेसिटर दिखा दिए, ये कैपेसिटर नंबर टू हो गया, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, अब तीसरा वाला कैपेसिटर ये देखिए, ये वाई और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में, तो वाई और जेड के बीच में ही तीसरा वाला कैपेसिटर है, ये जेड, जेड को हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। तो अगेन इसी दो के बीच में ये तीसरा कैपेसिटर भी है, कैपेसिटर नंबर थ्री, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, ये आपका पॉइंट जो है ये वाई है, ठीक है। और एक्स और वाई के बीच में इस तरह से भाई ये बैटरी 10 वोल्ट का जो बैटरी है उसको इस तरह से ये कनेक्ट किया हुआ है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, 10 वोल्ट का बैटरी जिससे ये क्यू चार्ज सप्लाई हो रहा है, ठीक है। हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी पता है, बहुत आसान है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये भी कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस सी सी और सी। चलिए, अब भाई ये जो कैपेसिटर बहुत ही क्लियर है, पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी प्लस सी, टू सी हो जाएगा। अब ये टू सी दोनों को हटा दीजिए, एक कैपेसिटर टू सी रख दीजिए। अब ये टू सी और ये सी जो है सीरीज में है, सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट सी ई क्यू लिख रहे हैं, एक हो गया टू सी और एक सी, तो सी वन सी टू बाई सी वन प्लस सी टू सीरीज वाला, तो टू सी इंटू सी बाई टू सी प्लस सी, क्लियर है। ये टू सी कैसे आया, तो सी प्लस सी मिलके, क्लियर है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम टू सी बाई थ्री। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोगों का निकल चुका है, तो अब यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से, कहने का मतलब है कि ये एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में एक ही कैपेसिटर अब यहाँ पे है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी ई क्यू, और यहाँ पे इस तरह से ये बैटरी आपका कनेक्टेड है 10 वोल्ट का, तो कितना चार्ज डिलीवर हुआ नहीं निकाल लेंगे, इसीलिए क्यू इक्वल्स टू सी भी, तो सी यहाँ पे इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल, क्लियर है ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, टू सी बाई थ्री, टू सी बाई थ्री, पोटेंशियल कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट। तो यहाँ से 2 इंटू सी का वैल्यू भी रख लेते हैं, चलिए 24 इंटू 10^-9, 24 इंटू 10^-9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10, क्लियर है। अच्छा, यहाँ से दिस इज 160, 160 इंटू 10^-9, इतना आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कूलम्ब हो जाएगा। आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं आंसर मिलाने के लिए, क्लियर स्टूडेंट। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट्स शोन इन फिगर इज 50 नैनोफराड, अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द मिडिल प्लेट, ए व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द अपर प्लेट, बी फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द अपर एंड द मिडिल प्लेट्स। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको तीन प्लेट दिया गया है और मिडिल वाले प्लेट पे टोटल 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया, क्लियर है। साथ ही साथ आपको हर कैपेसिटर, जो भी कैपेसिटर यहाँ पर बनेगा, उन कैपेसिटर्स के लिए आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो दो पार्ट है क्वेश्चन का, पहले वाले पार्ट में जो आपका अपर, जो ये सबसे पहले ऊपर का जो प्लेट है उसका आउटर मोस्ट सर्फेस है, इस सर्फेस पे कितना चार्ज आएगा ये निकालना है। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन अपर एंड मिडिल प्लेट्स, अपर और मिडिल प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्लियर है स्टूडेंट।
चलिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप समझ सकते हैं। अब हम लोगों ने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो भाई यहाँ पर टोटल तीन प्लेट है और तीनों प्लेट पे इस पर कोई चार्ज नहीं है जीरो, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है जीरो, इस पर 1 माइक्रोकुलम का चार्ज है जिसको हम लोग क्यू मान लेते हैं। तो क्यू, अच्छा चलिए ठीक है, क्यू मान लेते हैं। तो आप समझ रहे हैं टोटल चार्ज 0 + 1 + 0 मतलब 1 माइक्रोकुलम टोटल चार्ज हो गया, ठीक है। तो भाई टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज यहाँ पे कितना हो गया 0 + 1 + 0 मतलब 1 माइक्रोकुलम। अब इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ कर दीजिए तो हाफ कितना हो जाएगा 1 माइक्रो 1/2 मतलब 0.5 माइक्रोकुलम। तो यही इतना चार्ज ना, ये सबसे ऊपर भी होगा और सबसे नीचे भी होगा, कंसेप्ट तो यही है, ठीक है। मतलब कि इस प्लेट पर जो चार्ज आएगा स्टूडेंट कितना आ जाएगा 0.5 माइक्रोकुलम। दिस इज योर आंसर। और इनफैक्ट यहाँ पर भी इतना ही चार्ज आपका आ जाएगा 0.5 माइक्रोकुलम, मतलब इसको q/2 हम लोग लिख सकते हैं, q/2 इसका हाफ। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया 0.5 माइक्रोकुलम। दूसरा बी पार्ट में हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अपर और मिडिल प्लेट के बीच में। तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भाई, कैपेसिटेंस हम लोगों को पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो जो कैपेसिटर जो बनेगा अब उस कैपेसिटर पर चार्ज देखना पड़ेगा। तो समझिएगा भाई इस पर टोटल चार्ज, तो टोटल अब ये इसको हम q/2 लिख देते हैं। तो भाई इसके इस सरफेस पे q/2 चार्ज आया, टोटल चार्ज इस पे जीरो है तो चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। इसका मतलब इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा -q/2। क्लियर है? यहाँ पर भी उसी तरह इस पर आया +q/2, ये क्या है q/2 है। तो इधर निश्चित रूप से चूंकि टोटल जीरो है तो इधर आना चाहिए -q/2। क्लियर है? अब यहाँ पे -q/2 तो यहाँ पे आपका आ जाएगा +q/2, यहाँ -q/2 तो इसके सामने वाले इस सरफेस पे आ जाएगा +q/2। सो डैट कि दोनों q/2 मिल के फिर टोटल चार्ज आपका q होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए चार्ज को। अब देखिए ये जो कैपेसिटर बन रहा है अपर और मिडिल प्लेट्स के बीच में, ये कैपेसिटर जो बन रहा है इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है q/2 चार्ज है। मतलब हेयर चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना हो जाएगा q/2 मतलब 0.5 माइक्रोकुलम। ठीक है, इतना चार्ज हो गया। कैपेसिटेंस हम लोगों को पता है C = इतना फराड। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V = क्या होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाय उसका कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है 0.5 माइक्रोकुलम और कैपेसिटेंस कितना है 50 × 10⁻¹⁹ फराड। अब दोनों को थोड़ा सा इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, ये 0.5 × 10⁻¹⁶ इतना कूलम्ब हो गया। चलिए ठीक है, और ये हो गया 50 × 10⁻¹⁹ फराड। चलिए अब यूनिट को हटाएं, ऐसा में कन्वर्ट कर चुके हैं। ऐसा करते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सो डैट कि ये 50 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 100 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला ये हो जाएगा 10⁻¹⁸ ये -8 हो जाएगा, नीचे तो आपका इतना है ही 10⁻¹⁹। ठीक है, अब 50-50 कैंसिल हो गया, मतलब ये फाइनली आपका आ गया 10 वोल्ट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, इफ 1 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट इंस्टेड ऑफ द मिडिल, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए द अपर एंड द मिडिल प्लेट्स एंड बी द मिडिल एंड द लोअर प्लेट्स। स्टूडियो क्वेश्चन इनफैक्ट पहले वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, और यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये तीन प्लेट में बीच वाले प्लेट पे 1 माइक्रोकुलम का चार्ज दिया गया था। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या चेंज किया गया, अब ये जो ऊपर वाला प्लेट है वहाँ पर 1 माइक्रोकुलम का चार्ज दिया गया है। तो दो पार्ट है क्वेश्चन का, पहले पार्ट में हम लोग को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अपर एंड मिडिल प्लेट्स, और दूसरे पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मिडिल एंड लोअर प्लेट्स। ठीक है, साथ ही साथ आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही कैपेसिटेंस इसका दे दिया गया था 50 नैनोफैराड। तो स्टूडेंट अगेन यहाँ पे आप समझ सकते हैं बहुत ईजी भाई, टोटल चार्ज कितना है इस पे जीरो है, इस पे जीरो है, तो टोटल चार्ज 1 माइक्रोकुलम मतलब इसको क्यू मान लेते हैं। टोटल चार्ज क्यू है, इसका मतलब हाफ करेंगे तो कितना होगा q/2 मतलब इस पर ये जो सबसे आउटर मोस्ट वाला जो है इस पर q/2 आ गया और इस पर भी आ गया q/2 आ गया। क्लियर है? चलिए अब आप बहुत आसानी से करते चले जा सकते हैं भाई, इस पे टोटल चार्ज तो जीरो है, कहीं से भी कीजिए, यहाँ से कीजिए, कहीं से भी आप कर सकते हैं। इस पे टोटल चार्ज तो जीरो है तो इधर +q/2 है, इसका मतलब इधर -q/2 होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलके फिर जीरो हो गया नेट चार्ज। उसी तरह अब जब ये -q/2 आ तो इसके सामने वाले सर्फेस पर कितना चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा +q/2 आ जाएगा। क्लियर है भाई? इस पे भी टोटल चार्ज आ गया, इस पे जीरो है तो इसका मतलब है कि इस सर्फेस पे -q/2 आ गया।
क्लियर है। अब ये माइनस क्यू बाई टू आया तो यहाँ पर इसके सामने से ये आ गया प्लस क्यू बाई टू, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम नीचे से पढ़ना शुरू किए तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आप ऊपर से भी पढ़ सकते हैं। कैसे भाई, आपने ये क्यू बाई टू ये क्यू बाई टू यहाँ तो रख दिया। अब देखिए यहाँ जब क्यू बाई टू है तो निश्चित रूप से यहाँ भी क्यू बाई टू होगा, तभी तो दोनों क्यू बाई टू मिलकर क्यू हो जाएगा। अब जब यहाँ आप क्यू बाई टू रखें तो इसके सामने वाले सर्फेस पर ये माइनस क्यू बाई टू, जब यहाँ माइनस क्यू बाई टू आया तो इसका मतलब ये प्लस क्यू बाई टू आना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर फिर जीरो होगा, फिर ये प्लस क्यू बाई टू तो माइनस क्यू बाई टू एंड सो ऑन, क्लियर, जैसे भी आप कीजिए। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है अपर और मिडिल प्लेट्स के बीच में, ठीक है, मतलब ये जो कैपेसिटर बन रहा है इस केस में, यहाँ पे इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं वी डैश मान लेते हैं, या वी वन इसको मान लेते हैं, वी वन मान लेते हैं। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, चार्ज कितना है स्टूडेंट, वी वन है तो चार्ज इस पर है क्यू बाई टू, क्यू बाई टू आप देख सकते हैं, डिवाइडेड बाई इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है सी, हम लोग को दिया हुआ है तो क्यू बाई टू सी, क्यू बाई टू सी, क्यू का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, वन माइक्रो कूलम, ठीक है। तो वन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स कूलम में इसको कन्वर्ट कर दिए, दिस इज टू इंटू फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइन, 2 × 50 100 हो गया, 10⁻⁷ हो गया, ये ऊपर गया 10⁻⁷, मतलब ये आपका हो गया 10 वोल्ट इज योर आंसर, क्लियर है। चलिए अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मिडिल एंड लोअर प्लेट्स, मिडिल और लोअर प्लेट के बीच में। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो कैपेसिटर बन रहा है, अब अगेन इस कैपेसिटर के लिए भी चार्ज कितना है, क्यू बाई टू है, क्यू बाई टू चार्ज है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसको अगर हम वी टू मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, अगेन इस केस में भी चार्ज कितना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर डिवाइडेड बाई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी, क्यू बाई टू सी, भाई सारा वैल्यू सेम है अभी तो, इसको सॉल्व किए तो निश्चित रूप से ये भी आपका आ जाएगा 10 वोल्ट इज योर आंसर।